देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर बेसिकली देखोगे तो देखो क्या होता है कि कहते हैं कि SL90 वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर इच ऑफ 100 ओम। देखो एक दो रजिस्टर है, हर एक की वैल्यू अपना 100 ओम यहाँ दिया हुआ है, दो रजिस्टेंस है और ए भी 100 ओम का है और ए भी 100 ओम का है, और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है, ये वाला वोल्ट मीटर, ठीक है ना, जो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है, और ये दोनों सीरीज में एक प्लस माइनस बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, तो प्लस माइनस बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, जो कि ये 90 वोल्ट की यहाँ से बैटरी है। अब इसके पास, अब यहाँ से तुम देखोगे तो इस वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूँ तो इस वोल्ट मीटर को हटा के मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है यार, तो इसके रेजिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूँ तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे आएगा, जो कि कितना है, 400 ओम का है, ठीक है। तो अब जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसके बीच की रीडिंग ही तो, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वोल्ट मीटर रीड करेगा भाई, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से पहले कितनी करंट गई ये पता कर लो, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आर आर की जो वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 500। तो यहाँ से देखोगे दो जीरो ने दो जीरो को यहाँ ख़त्म कर दिया और 8 टाइम्स कट गया, तो जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 80 ओम, ठीक है। तो अब सर्किट को मैं रीड्रा कर सकता हूँ कि ये जो 80 ओम का है और प्लस 100 ओम का है, वो दोनों आ जाएंगे सीरीज में यार, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, प्लस बैटरी लग जाएगी कितनी वोल्ट की, प्लस माइनस 90 वोल्ट की बैटरी लग गई। तो अब यहाँ से करंट की वैल्यू देखोगे तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस आ जाएगा 100 प्लस 80, ठीक है ना। तो 100 प्लस 80 मतलब 90 डिवाइडेड बाई 180, 90 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1/2 एम्पियर, दैट इज यहाँ से करंट आ जाएगा। तो अगर ये 1/2 एम्पियर करंट आ गया, तो ये तो मुझे बात पता चल गया कि 1/2 एम्पियर करंट आ गया यहाँ से। तो यहाँ से जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं, यहाँ से तुम देखोगे हाँ, 80 और प्लस 100, 180 इसका रेजिस्टेंस आ गया, तो 180 नेट रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस इज करेंट इज इक्वल टू वी अपन आर, तो वी कितना था 90 और 1/2 एम्पियर, तो 1/2 एम्पियर बैटरी ने यहाँ से करंट भेज दिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 1/2 एम्पियर आई इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर यहाँ से बैटरी ने करंट भेज दिया। तो ये जब करंट भेज दिया तो यहाँ से तुम देखोगे इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू, देखो इसके अक्रॉस मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, तो यहाँ से जो बैटरी ने भेजा तो ये 1/2 एम्पियर इसमें जाएगा और 1/2 इसमें, यहाँ से 1/2 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो रीड करेगा वोल्ट मीटर, तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की रीडिंग वही होगी प्यारे बच्चों। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग इज इक्वल टू करेंट और मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट 1/2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस यहाँ 80 है, दैट इज 40 वोल्ट की रीडिंग आएगी। तो इसके अक्रॉस 40 वोल्ट की रीडिंग आई, और अगर ये मैं पॉइंट सी बोलूँ तो जब 90 में से 40 वोल्ट इधर आ गया, तो भी बी सी की जो वैल्यू होगी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 50 वोल्ट डिवाइड होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से तो हर एक के अक्रॉस 40 वोल्ट की, देन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड ए वोल्ट मीटर 40 ओम कनेक्टेड और पोटेंशियल डिफरेंस ईच हर एक के अक्रॉस लगाया जा रहा है, तो एक के अक्रॉस रीडिंग 40 आएगा, एक के अक्रॉस रीडिंग 50 आएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो अपना 40 वाला दिया हुआ है, 50 तो इसमें है ही नहीं। तो आई होप कि
आपको मज़ा आ गया होगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।